आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको एलपी स्विच और एचपी स्विच भी बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को क्यों यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो, और चाहे तो आप अपने चैनल पे मेरे वीडियो को क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं, अपने चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं मेरे वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसी तरह का भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एयर कंडीशनर है या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, चिलर है, एचवीएसी सिस्टम है, पैकेज एसी है, बहुत सारे जैसे कोल्ड स्टोर है, बहुत सारे ऐसे जगहों पे ये जो लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच ये यूज किया जाता है, असल में ये सेफ्टी डिवाइस होता है कंप्रेसर के लिए और हमारे सिस्टम के लिए, कि हमारे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए और हमारा कंप्रेसर सेफ रहे। एयर कंडीशनिंग जो मैंने आप लोगों को बताया, तो एयर कंडीशनिंग बहुत सारे हैं, जैसे एक टन के हैं, डेढ़ टन के हैं और दो टन के में भी ज्यादातर ऐसा होता है, फ्रिज में होता है कि ये स्विच नहीं लगे हुए होते, सेफ्टी डिवाइस नहीं लगे हुए होते हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे तो चार टन में, पांच टन में इस तरीके से उसमें जो हमारा डक्टेबल स्प्लिट होता है, डक्टेबल एसी होता है और हमारे जो पैकेज एसी होते हैं, पांच टन दस टन जितने का भी जो पैकेज एसी है और जो कोल्ड स्टोर में जो रेफ्रिजरेशन मशीन लगी होती है उसमें भी अक्सर ये यूज किया जाते हैं। तो अभी मैं बताऊं इसका पर्पस, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सेफ्टी पर्पस से लगा हुआ होता है, कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए, चाहे कोई सा भी कंप्रेसर हो, स्क्रॉल कंप्रेसर हो या फिर आपका रोटरी या फिर रेसिप या फिर रेसिप्रोकेटिंग या फिर स्क्रू, अगर आपको कहीं पे मिलेगा तो फिर भी अगर डाउट हो तो आप एलपी स्विच जरूर चेक करें। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो डिफरेंट टाइप से है रेफ्रिजरेशन मशीन, तो उसमें एलपी स्विच और एचपी स्विच लगा हुआ होता है। तो पर्पस मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो असल में फंक्शन क्या होता है कि जब ये कंप्रेसर चलता है तो इसका क्या होता है, ये वाला आप लोग देख रहे हैं ये लो प्रेशर स्विच है, इसको लो प्रेशर स्विच एलपी स्विच भी बोला जाता है। तो ये लो प्रेशर स्विच है, लो प्रेशर स्विच क्यों लगाया जाता है, तो इसलिए लगाया जाता है कि जब आपका R22 रेफ्रिजरेंट है, अगर मान लें गैस है, तो उसका प्रेशर अगर इसमें ज्यादातर जो सेट पॉइंट होता है वो 35 PSI होता है, किसी किसी में 40 या 45 PSI भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर जैसे ये 40 PSI पे है तो 40 PSI से नीचे अगर इसका प्रेशर हो जाता है सिस्टम का, कहीं से लीक हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें ये क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा और लो प्रेशर का अलार्म दे देगा। ये इस तरीके से लो प्रेशर पे काम करता है, लेकिन कई बार ये डिफरेंट मॉडल भी हो सकता है, बॉक्स टाइप हो सकता है या कोई भी मॉडल हो सकता है इसका, हो सकता है आपके साइड पे जो आपका सिस्टम है उसमें कुछ डिफरेंट तरीके से एलपी स्विच लगा हो, लेकिन उसमें काम वो यही करेगा और उसका फंक्शन यही होगा। और दूसरी बात करें हम अगर, तो ये हाई प्रेशर स्विच है, वो हाई प्रेशर स्विच जो होता है वो जो हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है इसमें यूज किया जाता है। तो इसको हाई प्रेशर की वजह से यूज किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हाई प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा कंप्रेसर खराब हो जाएगा या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कूलिंग की एफिशिएंसी जो है वो अच्छी नहीं होगी, कूलिंग अच्छी नहीं होगी और कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए ये क्या होता है, ये हाई प्रेशर स्विच लगाया जाता है, ये एचपी स्विच है। ये भी कई तरह के डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल वाला ये हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है, तो इसका क्या काम होता है कि R22 का जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, वो 350 PSI होता है, मतलब 350 PSI। तो इसका सेट पॉइंट उसी तरीके से होता है, तो अगर मान लीजिए 360 PSI इसका प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, ये आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा हाई प्रेशर से। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि लो प्रेशर स्विच जो होता है, एलपी स्विच, वो हमेशा सेक्शन लाइन में यूज किया जाता है। आपका किसी भी टाइप का अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा, चिलर, एचवीएसी, पैकेज एसी, कोई सा भी एसी, एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेशन मशीन होगी, तो उसमें सेक्शन साइड में जो लगा हुआ होगा वो लो प्रेशर स्विच लगा हुआ होगा, जिसकी जो कट ऑफ पॉइंट होता है जो उसका, वो 35 PSI तक होता है R22 गैस में, और जैसी मशीन डिजाइन की हुई होगी उसके हिसाब से उसका प्रेशर भी सेट होगा, हो सकता है उसका प्रेशर कम भी हो। तो जो आप लो प्रेशर स्विच खरीदते हैं उसपे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है, वहां से आप देख सकते हैं, और हाई प्रेशर स्विच हमेशा डिस्चार्ज लाइन में लगा होगा। और अगर हम इसके कनेक्शन की बात करेंगे तो ये आप लोग जो दो वायर देख रहे हैं ये सीरीज में होती है, तो चाहे एलपी हो या एचपी हो, अक्सर ये दो वायर में आती है, तीन वायर में भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन यहाँ पे दो वायर है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक तरफ से कोई भी हमारा जो कंट्रोल है वो इधर इन करेगा और एक तरफ से आउट होगा। ऐसे ही हमारे HP जो है स्विच, उसके अंदर ये दो वायरें हैं, यहाँ से एक पॉइंट आएगा एक पॉइंट जाएगा। तो इससे क्या होगा, कभी भी अगर आपका हाई प्रेशर या लो प्रेशर सिस्टम में होगा तो ये क्या होगा, इधर से कट कर देगा। अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे तो हम लोग क्लैंप मीटर से कंटिन्यूटी पे लगा के चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर बोल रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में गैस है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये चालू हालत में अगर ये कट ऑफ कर देता है तो सिस्टम बंद कर देगा। तो बंद करने का क्या रीज़न होता है, ये आपस में कंटिन्यूटी छोड़ देता है, चाहे वो HP हो या LP हो। तो ऐसे ये काम करता है। तो ऐसे सेफ्टी स्विच बहुत सारे डेनफोर्स के भी आते हैं और भी सारी कंपनी के आते हैं, तो ज्यादातर जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो डेनफोर्स के ही लगे हुए होते हैं ऐसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोगों को कोई आदमी ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो चैनल का है, यूट्यूब का जो है, वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ पे भी मैं जिस भी साइट पे जाता हूँ कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ जो मेरे साथ फॉल्ट हुआ है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप लोगों को वीडियो में दिखा सकूँ, ताकि आप लोग भी उस तरीके से काम कर सकें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।